हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी का फिर से वेलकम है इस क्लास में। जिस तरह की हम पहले पिछले क्लासेस में क्लास टेंथ मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ द रियल नंबर, वो हम पढ़ रहे थे। हमने तीन एक्सरसाइज इसकी कर चुकी है, दैट इज़ 1.1, 1.2 एंड 1.3, और आज इस चैप्टर का हम लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, दैट इज़ 1.4। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि यहाँ मैंने चार क्वेश्चन लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 10 क्वेश्चन है और उसमें से मैं आपको ये चार क्वेश्चंस करके बताऊंगा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन आपको अपने आप बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये आपको ये अलग अलग रैशनल नंबर दिए हैं और हमको ये देख के बताना है विदाउट डिवीजन कि अगर हम इसका डिवीजन करेंगे तो जो डेसिमल के बाद जो नंबर आएगा वो डेसिमल रिपीटिंग नंबर आएगा या नॉन रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, तो एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल कि डेसिमल के बाद 2, 3, 4, 5 या जितने भी कुछ नंबर आएंगे उसके बाद जाके वो जो डिवाइड है वो डिवीजन रुक जाएगा और डेसिमल खत्म हो जाएंगे। और कुछ डिवीजन ऐसे होते हैं जिसमें जो डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीट होते जाते हैं वो कंटिन्यूस आते जाते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, तो मान लीजिए अगर मेरे पास है 25, अगर इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 4 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो देखिए क्या आंसर आएगा, 25 डिवाइडेड बाय 4, तो 4, 6 are 24, फिर आ गया 1। अब यहाँ पे आपको डेसिमल लगाएंगे तो ये हो गया 10। अब यहाँ पे 4, 2 are 8 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे 2 आएगा, तो एक 0 आ जाएगा डेसिमल का, एंड 4, 5 are 20। तो देखिए डेसिमल के बाद दो नंबर के बाद ये रुक गया डिवीजन, तो ये जो रैशनल नंबर कहलाएगा, ये कैसा रैशनल नंबर कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला रैशनल नंबर है। यदि यही जो नंबर है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 25/3 अगर है, अगर 3 से हम डिवाइड करेंगे 25 को, देखिए क्या आएगा, 3, 8 are 24, फिर माइनस करेंगे 1 आ गया, यहाँ एक डेसिमल लगाएंगे, फिर ये 0 आ गया, फिर 3, 3 are 9, फिर 1 आ गया, फिर एक 0 आ जाएगा, 3, 3 are 9, और ये देखिए रिपीट होता जाएगा, 3, 3 are 9, और ये चलता जाएगा, यानी 8.3333 रिपीट होता जाएगा। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये था टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपको इसको देख के बताना है, अभी तो हमने डिवीजन किया, बिना डिवीजन किए आपको बताना है क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा इसका या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, तो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरम दी गई है बुक में, तो मैं आपको थ्योरम समझा देता हूँ कि अगर कोई भी नंबर, मान लीजिए ये एक नंबर है एक्स, ये रैशनल नंबर है, इसको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है एक्स, इसको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है। यदि ये जो डिनोमिनेटर है इस फॉर्म में होगा 2 to the power m into 5 to the power n, ठीक है, अगर ये डिनोमिनेटर 2 और 5 के मल्टीपल के कॉम्बिनेशन का कोई भी नंबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा वो। ठीक है, अगर 2 to the power something, ये m का यहाँ क्या मतलब है, 2 की कुछ भी पावर हो सकती है और 5 उसकी भी कुछ भी पावर हो सकती है, यदि इस कॉम्बिनेशन में है डिनोमिनेटर तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और अगर इस कॉम्बिनेशन में नहीं है इसके अलावा, या तो ये a तो रहेगा इसके साथ कोई दूसरा नंबर अगर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा। अब ये कैसे है, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ कि इसका एप्लीकेशन हम यहाँ कैसे करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है देखिए, दैट इज 13/3125, तो यहाँ पे आपको केवल जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है इसके फैक्टर्स निकालने हैं, आपको डिवाइड नहीं करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं। तो अगर मैं इसके फैक्टर निकालूँ 3125 के, तो देखिए क्या क्या फैक्टर आएंगे, तो पहले मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, 5, 6 are 30, 5, 2 are 10, 5, 5 are 25, देन 5, 1 are 5, 5, 2 are 10, देन 5, 2 are 10। तो देखिए सारे 5, 5 के ही इसके मल्टीपल आ रहे हैं, इसका जो फैक्टराइजेशन हम करते हैं, तो इसका ये मतलब है हम इसको इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, जो 13/3125 है इसको ऐसे लिख सकते हैं, 13/ ये 5 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, तो हम लिख सकते हैं 5 to the power 5। ठीक है, अब हमारा जो था थ्योरम क्या बोलता था, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, डिनोमिनेटर
टू टू दी पावर एम एंड एम फाइव टू दी पावर एम। तो यहाँ फाइव वाला टर्म तो है लेकिन टू वाला टर्म नहीं है, तो क्या यह टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा? तो भी यह टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्यों होगा? देखिए हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर टू नहीं है तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, टू की पावर जीरो इंटू फाइव टू दी पावर फाइव, ऐसे लिखा जा सकता है। किसी भी नंबर की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? ये वन होती है। कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर जीरो है उसकी वैल्यू वन होती है, और वन का इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारा ये वही फॉर्म आ गया, ये टू टू दी पावर एम एंड फाइव टू दी पावर एन, जहाँ पे एम है जीरो और एन हो गया फाइव। तो ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा क्योंकि ये इस फॉर्म में आ रहा है टू और फाइव के टर्म्स में। आया समझ में? अब चलिए ये वाला देखते हैं, ये तो ईजी है, सेकेंड वाला छोटा नंबर है इसमें। अब ये जो एट है डिनोमिनेटर में, इसको आप आसानी से फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ये जो 8 है इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 17 बाय 2 टू द पावर 3। अब यहाँ पे 5 तो नहीं है, 5 नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 5 टू द पावर 0। तो ये 2 और 5 के मल्टीपल के टर्म्स में आ गया, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। अब ये वाला करके देखते हैं, थर्ड वाला। चलिए थर्ड वाला है, यहाँ केवल आपको डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है, न्यूमरेटर से मतलब नहीं है। 4 डबल 5, इसको करते हैं 5 से पहले डिवाइड करते हैं, तो 5 8 5 9 45 हो गया, 5 1 5, फिर ये 7 से जाएगा, 7 1 7, 7 3 21, देन 13 1 13। तो देखिए इसके इतने फैक्टर आ रहे हैं 5 7 और 13, तो इसका ये मतलब है जो 64/455 है, जब इसको आप फैक्टराइज करते हैं तो इसको इस टर्म में लिखेंगे 5 × 7 × 13। अब ये वाला जो टर्म है, यहाँ पर 2 तो है ही नहीं और 5 और 7 और 13 एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब है इसका आप डिवीजन करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। तो ये जो है इसके लिए नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, पहला वाला टर्मिनेटिंग होगा, दूसरे वाले का भी जो है टर्मिनेटिंग होगा, और जो तीसरा वाला है ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब आपको लास्ट वाला चेक करना है। अब इसमें तो फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट वाले में ये अलग से फैक्टर करके दिया है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। अगर ये वाला टर्म नहीं होता, ठीक है, अगर ये वाला टर्म नहीं होता तो ये क्या बन जाता? टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट अब 7 वाला टर्म आ गया है इसमें मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में, इसलिए ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये इसके और भी जो है बाकी क्वेश्चन बड़े ही आसान है, आपको डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है और देखना है क्या उसमें मल्टीपल ऑफ 2 और 5 है या उसके अलावा भी कोई नंबर है। तो मल्टीपल ऑफ 2 और 5 होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आगे समझ में बन जाएगा आप लोगों से। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही एक्सटेंशन है, मतलब सेकंड क्वेश्चन में आपको ये करना है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो उनमें से जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है। ठीक है, तो अभी हमने कुल मिला के मतलब डिवाइड करना है, तो वहाँ जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कौन कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहे हैं, केवल वही वाले रैशनल नंबर को यहाँ पे आपको चूज करना है और उसको डिवाइड करके डेसिमल कितने नंबर के बाद टर्मिनेट हो रहा है वो आपको लिखना है। तो ये केवल सिंपल डिवीजन का क्वेश्चन है, आप प्रीवियस क्लास कर चुके हैं, ये आपसे बन जाएगा, बड़ा ही आसान है। तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, तो आप प्रैक्टिस के लिए कीजिए डिवाइड। ठीक है, तो ये मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए ये थर्ड क्वेश्चन दिया है, थर्ड क्वेश्चन में इसके तीन पार्ट है, तीन नंबर्स दिए हुए हैं। अब ये नंबर्स को आपको देख के बताना है क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं है, और अगर रैशनल नंबर है तो इनके डिनोमिनेटर में क्या नंबर आएगा, इनके डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ये बताना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर देखेंगे, फर्स्ट नंबर क्या है, 43.123456789 तक है। तो ये क्या है, 9 तक आके ये खत्म हो गया है,
तो इसका ये मतलब है, ये तो एक रैशनल नंबर है। कोई भी जो पॉइंट वाला नंबर है वो टर्मिनेट हो जाता है कितने भी नंबर के बाद, तो वो तो एक रैशनल नंबर है। अब इसको अगर हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे यानी डेसिमल अगर हटाएंगे तो कैसे लिखा जाएगा ये? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो क्या है इसमें, डेसिमल के बाद 9 नंबर है 1 से लेकर 9 तक, तो 1000000000। तो ये हमने लिख दिया, तो ये इसके डिनोमिनेटर में आएगा 1 और 9 टाइम्स 0। तो अब अगर इसका फैक्टर आप निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये सारे जो है मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5 होगा। क्यों होगा? देखिए हम इसको अगर फिर से लिखें, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये क्या है, 9 टाइम्स 0 है। तो हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि 10 को अगर 9 बार मल्टीप्लाई कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगर 10 को आप 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपको आंसर मिलेगा। और 10 क्या है, 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5, तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 कितनी बार, 9 बार। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 2 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 9। तो ये बन गया 2 और 5 के टर्म्स में यही नंबर आ गया। तो इसका मतलब है अगर इस टर्म्स में आ रहा है 2 और 5 के मल्टीपल में डिनोमिनेटर, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और एक रैशनल नंबर है। आई बात समझ में? तो ये हुआ फर्स्ट का आंसर, आपको सिंपली ये करके बता देना है कि ये रैशनल नंबर है और इसका डिनोमिनेटर में जो है 2 और 5 के मल्टीपल्स होंगे। अब देखिए सेकेंड वाला नंबर देखिए, ये है 0 पॉइंट, डेसिमल के बाद देखिए 1, 2, 0, फिर 1, 2, 0, फिर 1, 2, 0, फिर 1, 2, 4 बार 0। तो इसका ये मतलब है कि ये और ये डैश यहाँ लिखा है तो मतलब ये टर्मिनेट नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन देखिए नंबर रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे, जो 0 है एक एक 0 0 बढ़ता जा रहा है, हर बार 12 12 के बाद एक 0 एक्स्ट्रा बढ़ते जा रहा है। तो हम इसे कहेंगे नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे तो वो रैशनल नंबर नहीं होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो जितने भी रूट वाले नंबर है अगर उसका डेसिमल आप एक्सपेंशन देखेंगे, अगर आप कैलकुलेटर है आपके पास तो कैलकुलेटर में जितने भी रूट वाले नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन देखना, लंबा उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा लेकिन वो रिपीटिंग नहीं होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो वो सारे नंबर क्या कैसे होते हैं, वो सारे नंबर इरेशनल होते हैं। तो ये तो है इरेशनल नंबर। ठीक, अब देखिए लास्ट वाला नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे ये जो देखिए डेसिमल के बाद ये यही वाला नंबर जो फर्स्ट क्वेश्चन में था, बट ये डेसिमल के बाद सारे नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो नंबर है 1 से लेकर 9 तक बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये कैसा नंबर हो गया, ये एक ऐसा डेसिमल है जो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये चलता जाएगा, ये जो बार वाला नंबर है रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। यदि कोई जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल के बाद खत्म ही नहीं हो रहा लेकिन वो रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर है। तो ये हुआ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये हुआ रैशनल नंबर। अब इसका अगर ये रैशनल नंबर है तो इसमें डिनोमिनेटर में कौन से नंबर होंगे, तो डेफिनेटली इसमें 2 और 5 के अलावा भी कोई और नंबर होगा, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो यहाँ फर्स्ट केस में तो डिनोमिनेटर 2 और 5 का मल्टीपल ही होगा, बट यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा या तीसरा नंबर भी हो सकता है। तो बस हम ये कह सकते हैं इसके बारे में। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है। इसमें 3 ही क्वेश्चन था, बड़ी छोटी एक्सरसाइज थी और ये चैप्टर भी बड़ा ही छोटा था, ईजी था। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बड़े ही ईजी जो है इसके क्वेश्चन है, और अगर इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे तो ये काफ़ी स्कोरिंग होगा आपके लिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये चैप्टर को भी एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस हम इतने ही पढ़ेंगे, तो इसको आप रिवाइज कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।